Hello everyone, welcome to my class. So students, my today's video is for the students of 5th standard where I'll be teaching chapter 7 from literature. The name of the chapter is Father to an Antator. Now Antator, say I think aapko samajh mein aa gaya hoga ki Antator kya hote hain. एक्चुअली एंटेटर्स जो होते हैं वो टूथलेस मैमल होते हैं जिनकी बॉडी पूरी तरीके से एक हॉर्नी स्केल से कवर होती है. यू कैन सी हियर, सी है ना. सो इट इज कवर, इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ हॉर्नी स्केल्स एंड ऑल्सो इट हैज अ लॉन्ग स्नाउट फॉर फीडिंग ऑन एंट्स एंड टर्माइट्स. एंटेटर इज अ कॉमन नेम फॉर द फोर एक्सटेंट मैमल, ठीक है, कॉमनली नोन फॉर ईटिंग एंट्स एंड टर्माइट्स. एक्चुअली टर्माइट्स क्या होते हैं, अब टर्माइट्स वो होते हैं, टर्माइट्स आर व्हाइट एंट्स. एक्चुअली दे आर नॉट एंट्स एंड इवन दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू एंट्स, ओके, बट दे आर व्हाइट एंट्स, ओके. सो स्टूडेंट्स, सी इट्स अ वेरी नाइस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्मॉल स्टोरी about a baby antator. So we'll start with this. हो सकता है आपने रीडिंग किया हो तो आपको समझ में ना आया हो एंड यू मस्ट हैव नॉट एंजॉयड दिस चैप्टर, बट आफ्टर द एक्सप्लेनेशन होपफुली यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस. एक्चुअली आई एंजॉयड दिस स्टोरी अ लॉट, सो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. सो नाउ सी, अ विलेजर वॉन्डर्ड इन टू our camp carrying a sack. Opening the sack, he pulled out the most delightful baby animal I had ever seen. तो यहाँ पे जो author है वो बोल रहे हैं कि जो इनके villager wandered into our camp. Okay, एक दिन इनके camp में जो villager है वो क्या करते हैं कि means like एक sack में जो बोरा होता है, एक बस्ता के जैसा, जिसमें जैसे बड़े बड़े सैक जिसमें हम बहुत सारी जैसे चावल का आता है, राइस सैक, देन वी बाय पोटैटो सैक 10 kg 5 kg उसको बोलते हैं. तो उस बड़े से बस्ते में, उस सैक में वो जैसे ही उसे वो लेके आते हैं और वो उसे खोलते हैं तो क्या दिखता है कि उसमें एक बहुत ही प्यारा सा, अ वेरी डिलाइटफुल बेबी एनिमल जो कि ऑथर ने पहले कभी नहीं देखा हुआ था. सो शी लाइक शी वॉज अ यंग जॉइंट एंटेटर, शी वॉज अ यंग जॉइंट, छोटी सी बट जॉइंट एंटेटर उन्होंने देखा, अबाउट 1 week ओल्ड, जो कि बिल्कुल अभी एक हफ्ते की ही हुई थी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो एक हफ्ते की थी. शी वॉज अबाउट द साइज ऑफ अ कॉर्गी, ठीक है, कॉर्गी का मतलब होता है कि स्मॉल लाइक ब्रीड ऑफ अ डॉग, जैसे जो डॉग की ब्रीड होती है जिसकी वेट अराउंड 12 kg के आसपास होती है उसको बोला जाता है. देन आफ्टर विथ ब्लैक एश ग्रे एंड व्हाइट फर, और उसका कलर कैसा था, विथ ब्लैक एश ग्रे और व्हाइट फर था उसकी बॉडी पे, अ लॉन्ग स्लेंडर स्नाउट एंड अ पेयर ऑफ टाइनी आई, एक लंबा सा स्नाउट जो ये देख रहे हो आप यहाँ पे, और दो छोटी छोटी आंखें. द मैन सेड ही हैड फाउंड हर वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, ठीक है, लोगों ने बताया कि वो उसे जंगल में मिली. ही थॉट हर मदर हैड बीन किल्ड बाय अ जगुआर, तो उन्हें ऐसा लगा कि जो उसकी माँ थी एंटेटर की, उसे जगुआर ने मार दिया था. अब जगुआर क्या है आपको पता है, इट लुक लाइक अ टाइगर एंड इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अ कैट फैमिली, है ना. तो उन्हें यही लगा कि उसकी माँ को जगुआर ने मार दिया है. आई पेड हिम एंड दिस बिकम अ फादर टू वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग चिल्ड्रन आई हैव एवर मेट. एंड इन्होंने क्या किया कि उन जो लोग उस एंटेटर को फॉरेस्ट से लेके आए थे उनको उन्होंने कुछ पैसे दिए और उसे ले लिया और
एक ऐसे बच्चे के पिता बन गए जो कि एक बहुत ही चार्मिंग बच्चा था और जिससे वो ऐसे बच्चे से पहले कभी नहीं मिले थे. ठीक है. द फर्स्ट डिफिकल्टी केम ऑलमोस्ट एट वंस. जो पहला जो पहली परेशानी जो आई वो क्या था. वी हैड अ बेबीज फीडिंग बॉटल एंड आफ्टर रिसर्च ऑफ द होल विलेज वी डिस्कवर वन टीट. ठीक है. उनके पास जो फीडिंग बॉटल होती है जिसमें बच्चे दूध पीते हैं वो तो था, बट वो पूरे गांव में ढूंढने के बाद उन्होंने एक बहुत मुश्किल से एक टीट मिला था उन्हें. बच्चों टीट उसे बोलते हैं हम जो बॉटल फीडिंग बॉटल के ऊपर जो रबर का ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है जिससे हम मिल्क को जो बच्चे सक करते हैं उसको बोलते हैं हम टीट. सो एंड वेरी ओल्ड एंड अनहाइजेनिक इन अपेरेंस. जो देखने में बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था और ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं है, तो वही मिला उनको पूरे विलेज में ढूंढने के बाद. तो वो उसे लेके आए. आफ्टर वन और टू अटेम्प्ट द बेबी टुक टू द बॉटल बट फीडिंग हर वॉज अ पेनफुल परफॉर्मेंस. ठीक है. बहुत मतलब एक दो बार के कोशिश के बाद जो बॉटल था वो बेबी ने ले तो लिया. मीन्स लाइक द बेबी टुक लाइक यू नो टुक टू द बॉटल बट फीडिंग हर वॉज अ वेरी पेनफुल. वो उसको पिलाना उसमें से दूध पिलाना बहुत ज्यादा पेनफुल था. बहुत मुश्किल होता था उसे उसमें से फीड कराना, है ना. So young Antator clung to their mother back and she insisted on climbing on one of us nearly the whole time. तो ये जो young Antators होते हैं, देखो यहाँ पे इनको आदत क्या होती है ना कि ये mostly क्या करते हैं कि अपनी mother को like they cling their mother, है ना, हमेशा उनको पकड़ के रखते हैं, बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं. तो इनको ऐसी आदत होती थी. तो वो क्या करते थे कि शी इंसिस्टेड वन ऑन क्लाइंबिंग ऑन वन ऑफ अस. तो वो किसी ना किसी को किसी के ऊपर वैसे इस तरीके से क्लाइंब करके और उनको जोर से टाइटली पकड़ के रहना चाहती थी हमेशा, क्योंकि उनको आदत होती है ना ऐसे रहने की अपने मदर के साथ. एंड उसकी मदर को उसने खो दिया था. तो नाउ शी वॉज वेरी यंग. तो उसे अपनी मम्मी चाहिए होती थी हमेशा. सो नाउ व्हाट हैपेंड दैट ड्यूरिंग मील्स शी क्लैप्स लाइक योर लेग अफेक्शनेटली विथ थ्री पॉज. जैसे वो खाने के वक्त भी क्या करती थी कि वो अपने तीनों पॉज से पॉज मीन्स जो उसके पंजों से वो क्या करती थी बहुत प्यार से ऐसे उनके लाइक पैर को पकड़ के रखती थी. विथ हर रिमेनिंग पॉज शी हेल्ड योर फिंगर एंड स्क्वीज इट हार्ड एट इंटरवल. शी वॉज कन्विंस दैट दिस वुड इंक्रीज द फ्लो ऑफ मिल्क बॉटल. ओके द बॉटल. तो मतलब लाइक वो क्या करती थी ऐसे मतलब बहुत जोर से वो उस बॉटल को पकड़ने की कोशिश करती थी. वो अपने आप को ये कन्विंस करना चाहती थी, उसे ऐसा लगता था कि जैसे जो मिल्क का फ्लो है बॉटल से वो बहुत तेजी से उसके मुंह में आएगा ऐसा करने से. सो नाउ एट द एंड ऑफ लाइक ईच फीड यू फेल्ट एज दो यू हैड बीन अटैक्ड बाई अ बेयर एंड योर फिंगर हैड बीन जैम्ड इन टू अ डोर. ओके. सो नाउ लाइक शी यूज टू लाइक यू नो फील ईच फीड. उसको हमेशा ऐसा लगता था जैसे लाइक यू हैड बीन अटैक्ड बाई अ बेयर एंड योर फिंगर हैड बीन जैम्ड इन अ डोर. जैसे जो फिंगर हमारा एक दरवाजे के बीच में फंस जाता है उसको इस तरीके से लाइक शी यूज टू फील. ओके. एंड लाइक वेदर शी इज अटैक्ड बाय बेयर. ओके. सो लाइक दीज ऑल थिंग्स वॉज गोइंग ऑन. नाउ फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज I carried her about with me. तो कुछ दिनों तक वो क्या करते थे ऐसे कि उससे जो उसके मन में एक डर सा था, ठीक है, कि मतलब
मुझ पे लाइक कहीं किसी बेयर का अटैक है, या फिर लाइक वो बहुत सहमी भी सी रहती थी, तो वो कुछ दिनों तक तो ये ऐसे ना इस तरीके से उसको कैरी करते थे. ओके जो ऑथर उसको बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं उसे कैरी किया करता था. शी लाइक टू लाई अक्रॉस द बैक ऑफ माई नेक, है ना, वो ऐसे अक्रॉस पीछे से, गले के पीछे से, गर्दन के पीछे से वो इस तरीके से रहना उसको बहुत ही अच्छा लगता था. हर लॉन्ग नोज हैंगिंग डाउन वन साइड ऑफ मी एंड हर लॉन्ग टेल डाउन द अदर लाइक अ फर कॉलर. एवरी टाइम आई मूव्ड शी वुड टाइटन हर ग्रिप इन अ पैनिक एंड दिस वॉज पेनफुल. तो ऑथर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो हमेशा इस तरीके से रहती थी जैसे कि मेरे बैक पे फर कॉलर हो. कॉलर मीन्स जो शर्ट का हमारा कॉलर होता है, उस तरीके से वो उनके बैक को कवर करती थी. एक साइड से उसका जो स्नाउट होता था लंबा सा वो, और दूसरी तरफ से उसकी लंबी सी पूंछ. इस तरीके से वो बहुत ही पैनिक तरीके से, बहुत डरी सहमी भी सी रहती थी वो हमेशा, और बहुत ही टाइटली वो ग्रिप करके रखती थी, मतलब पकड़ के रखती थी टाइट से, है ना. तो जो कि ऑथर के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता था, है ना. आफ्टर शी हैड रिंग माई फोर्थ शर्ट, आई डिसाइडेड दैट शी वुड हैव टू क्लिंग टू समथिंग एल्स. सो आई फिल्ड अ सैक फुल ऑफ स्ट्रॉ एंड इंट्रोड्यूस हर टू दैट. अब जब ऑथर बता रहे कि जब मेरी चार शर्ट्स वेस्ट हो गई, बर्बाद हो गया मेरा चार चार शर्ट, इट गॉट स्पॉइल्ड, इट गॉट रुइंड, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब इसे मुझे कुछ और चीज देनी होगी जिसको ये टाइटली जैसे वो क्लिंग करती है वो किसी और चीज पे करे. तो उन्होंने क्या किया, एक सैक लिया बड़ा सा. सैक मीन्स अगेन वो जो बड़ा सा बस्ता बोरा जो भी बोलो आप उसको, वो लेकर के उन्होंने उसमें सारे स्ट्रॉ भर दिए. स्ट्रॉ मीन्स यू नो पाइप्स, वो स्ट्रॉ भर के और उन्होंने उस चीज को उसे आदत दिलाई, उसे दिखाया, उसे पकड़ने की के लिए इंट्रोड्यूस किया उसे. शी एक्सेप्टेड इट विदाउट एनी फस, है ना. अब फस का मतलब क्या है, विदाउट एनी एंग्रीनेस या फिर कोई नर्वसनेस, ना उसे डर लगा, ना उसे गुस्सा आया इस चीज को, वो बिल्कुल भी आराम से उसने उसे एक्सेप्ट किया. एंड वुड लाई इन हर केज क्लचिंग इट हैपली, और अपने पिंजरे में, केज मीन्स पिंजरा, तो वो अपने पिंजरे में उसके उसे बहुत अच्छे से क्लच करके और उसे वो मतलब रहती थी बहुत खुशी से. सो वी हैड ऑलरेडी नेम्ड हर सारा, तो इन्होंने ऑथर ने क्या नाम रख दिया था उसका, सारा. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ सैक क्लचिंग वी गेव हर अ सरनेम. अब ये जो वो सैक को क्लच करके रहती थी हमेशा, उसे पकड़ के रहती थी, तो उसकी वजह से इन लोगों ने उसका एक सरनेम भी डिसाइड किया था. जो टाइटल सरनेम है ना, जैसे हर किसी का सरनेम होता है ना, जैसे हम गुप्ता लिखते हैं, शर्मा लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं, उसी तरीके से इन्होंने भी डिसाइड किया कि सारा का भी एक सरनेम होगा. ठीक है, तो सारा का सरनेम इन्होंने क्या दिया, हर सरनेम विच वॉज गिवन बाय द ऑथर वॉज हगर सैक. अब इन्होंने हगर सैक क्यों रखा, बिकॉज ऑफ हर हैबिट ऑफ क्लचिंग दैट सैक. वो हमेशा उस सैक को हग करके रहती थी ना, तो क्लच करके रहती थी ना, इसी वजह से उसका जो सरनेम था उन्होंने हगर सैक रखा, सारा हगर सैक. सारा वॉज अ मॉडल बेबी, मीन्स सारा वॉज मीन्स लाइक शी वॉज परफेक्ट, यू नो मॉडल मीन्स जो बिल्कुल परफेक्ट होता है. सो शी वॉज अ परफेक्ट बेबी. Between feet she lay quietly on like her sack. वो feet के time पे भी आराम से उस sack पे लेटी हुई रहती थी. Okay, yawning and showing a sticky pink grey tongue about 12 inches long. है ना, what she used to do? She used to yawn. Yawn means ऐसे उबासी लेना. And showing a teeth like on her bottle. है ना, वो उस bottle के teeth को means like लाइक हर बॉटल टू लाइक यू नो सो वाइगरसली. वाइगरसली मीन्स क्या होता है, बहुत ही जोरों के साथ, है ना, बहुत जोर से. दैट इट शुड दैट इट सून चेंज फ्रॉम रेड टू पेल पिंक. इतने जोर से वो उसमें उसे पकड़ती थी कि वो रेड से बहुत जल्दी पेल पिंक हो गया. पेल पिंक मीन्स थोड़ा पीलापन आ गया पिंक,
पिंक और पिंक पीलापन पिंक पे आ गया है ना, पूरा रेड नहीं रहा वो. द होल एट द एंड ऑफ इट बिकम अबाउट द साइज ऑफ अ मैथ स्टिक. और आखिर में एट द एंड व्हाट हैपेंड, जो उसका साइज था इट बिकम लाइक अ मैथ स्टिक. एंड द होल थिंग ड्रॉप सैडली फ्रॉम द नेक ऑफ द बॉटल. एंड पूरा उसका जो उसमें मिल्क के बॉटल में जो रहता था वो सारी उसके नेक से, बॉटल के नेक से बाहर की तरफ निकल जाता था. ओके, नाउ व्हेन वी लेफ्ट, व्हेन वी लेफ्ट पैराग्वे, सॉरी पैराग्वे, सारा स्लेप्ट पीसफुली थ्रू आउट द फ्लाइट, लाइंग ऑन माय वाइफ्स लैप and snoring gently, occasionally blowing a few bubble of sticky saliva out of her nose. तो जब ये author, जब ये लोग वहां से Paraguay के लिए निकले, Paraguay is a landlocked country between Argentina, Brazil and Bolivia, ठीक है. तो जब वो लोग वहां के लिए, वहां से वो लोग निकले, तो फ्लाइट में, ड्यूरिंग देयर फ्लाइट व्हाट हैपन, सारा बहुत ही जेंटली अच्छे से, जो ऑथर है उनके वाइफ की गोद में, लैप में, बहुत जेंटली वो स्नोर कर रही है, खराटे ले रही है, और कभी कभी बीच बीच में क्या कर रही है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से बबल्स निकाल रही है, स्टिकी स्टिकी बबल्स है ना, और स्टिकी सलाइवा आउट ऑफ हर नोज. सलाइवा मीन्स जो थूक होता है, उसके बबल्स बनते हैं, है ना. तो जब बच्चे भी छोटे होते हैं ऐसे कभी कभी ऐसा होता है, तो वो कभी निकल रहा है. ओके, सो ऑन अराइविंग अराइविंग इन बोयनोस आयरिस इज अ कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना. ओके, तो जब वो लोग बोयनोस आयरिस पहुंचते हैं तो क्या होता है, आर फर्स्ट थॉट वॉज टू गिव सारा अ ट्रीट. तो उनका सबसे पहले उनके दिमाग में क्या बात आई, ये बात आई कि चलो सारा को क्या देते हैं, ट्रीट देते हैं, मीन्स ऐसा कुछ गिफ्ट जिसको पा करके वो बहुत खुश हो जाए, है ना. सो शी वॉज आउटरेज्ड. नाउ वॉट हैपन, शी वॉज आउट नाउ, ओके सॉरी. तो उन्होंने सोचा कि हम इसे ट्रीट देते हैं, सो वी वुड बाय हर अ नाइस न्यू शाइनी टीथ. तो उन्होंने ये सोचा कि उसकी जो टीथ है, जो बॉटल से ऊपर जो वो टीथ लगाते हैं ऑब्जेक्ट को, वो तो खराब हो गया था, इट टर्न्ड लाइक रेड टू पेल पिंक. तो उन्होंने सोचा एक नया टीथ ला के देते हैं उसे, ठीक है. सो उन्होंने एक नया सा चमकता हुआ टीथ उसके लिए वो लेके आए. वी वेंट टू अ लॉट ऑफ ट्रबल सिलेक्टिंग वन एग्जैक्टली द राइट साइज शेप एंड कलर, पुट इट ऑन द बॉटल एंड प्रेजेंट इट टू सारा. तो जो वो ढूंढ रहे थे, उसे ढूंढने में बहुत ही उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इतनी आसानी से नहीं मिला, क्योंकि साइज से शेप और कलर एग्जैक्टली उनको वैसा चाहिए था जो कि मीन्स लाइक सारा के सामने वो प्रेजेंट कर सके, है ना, उस बॉटल में डाल के. नाउ शी वॉज ओवर रेज, नाउ शी वॉज आउटरेज, शी हॉन्क्ड. अब उससे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने बहुत ही छोटी आवाज निकाली, बट बहुत तेज आवाज निकाली, जैसे कि गूज निकालते हैं आवाज, उस तरह की आवाज निकाली, है ना, हॉन्ग. वाइली एट द मेयर थॉट ऑफ अ न्यू टीट. ओके, क्योंकि वो जो था वो नया टीट था उसके लिए. एंड सेंड द बॉटल फ्लाइंग विथ अ वेल डायरेक्टेड ब्लो. उसने क्या किया, अपने ऐसा उसने ब्लो किया बॉटल को विथ हर पॉ, अपने पंजों से, एंड मींस लाइक शी थ्रू इट. ओके, शी कम डाउन एंड स्टार्टेड टू फीड ओनली आफ्टर वी पुट बैक द ओल्ड टीट ऑन द बॉटल. शी क्लंग टू इट एवर आफ्टर, मंथ्स आफ्टर हर अराइवल इन इंग्लैंड, शी वुड नॉट बी पार्टेड फ्रॉम इट. और जब वो तभी शांत हुई जब उसे वापस उसके बॉटल पे वो पुरानी वाली टीथ लगा के दी गई, और उसके बाद उसने बहुत खुशी से शी अगेन क्लंग इट. एंड क्योंकि वो उसकी यूज टू हो गई थी, उसे आदत थी उसकी, इसलिए उसे वही टीथ चाहिए था. और जब ऑथर ने उस बॉटल पे उस टीथ को लगा करके सारा को दिया, देन शी फेल्ट वेरी गुड. एंड उसके बाद वो हमेशा, लाइक एवर आफ्टर, मंथ आफ्टर अराइवल इन इंग्लैंड ऑल्सो, वो उसी टीट से
फीड करती रही. सो दिस वॉज द स्टोरी एंड द स्टोरी वॉज बाय लाइक इट वॉज नॉट अ बिग लाइक इट वॉज जस्ट अ स्मॉल स्टोरी पैसेज विच वॉज टेकन आउट फ्रॉम अ बिग स्टोरी. सो इट इज नॉट गिवन द एंटायर दिस थिंग बट it was a very hope I hope you all have enjoyed it and you like the story. So students, you'll be getting all the question answers based on this chapter and book work also in PDF form. So please complete your work in your fair notebook and start revising as well. You can read the chapter, you should read actually read the chapter, and if you have any doubt, any problem with the chapter, please ask. Or you can comment in the comment box also. So, we'll see you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.